सर, जो एग्जामिनेशंस को लेकर के कमेटी बनी है, कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर निर्णय होगा? देखिए, राजस्थान में हमारे हायर एजुकेशन के तमाम विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कोविड की वजह से हमें स्थगित करनी पड़ी, और जिस प्रकार का वातावरण अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड का बेहतर प्रबंधन किया गया है। आने वाले समय में परिस्थितियां जैसे ही सामान्य होती है, हम इस पर जल्दी ही निर्णय लेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में। वो सभी तरह के बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करके उस पर मंथन करने के बाद कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका, क्योंकि हर विद्यार्थी की डिग्री का महत्व पूरे देश और दुनिया में उस विद्यार्थी को जाना होता है, तो यूजीसी, एमएचआरडी और सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज का जो डायरेक्शंस हैं वो भी हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में विद्यार्थियों के हित में और परिस्थितियां सामान्य होने पर यह निर्णय किया जाएगा। 15 दिन में 10 जून तक रिपोर्ट देने का जो हमने कमेटी का टाइम तय किया है, तब तक कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। और परिस्थितियां, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो सामान्य होगी, तो जल्दी से जल्दी इसका निर्णय होगा। और उसमें एमएचआरडी विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका भी, उसको ध्यान में रखते हुए हम उचित छात्रहित में निर्णय करेंगे।